आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर हेल्दी प्रोटीन पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव आपको वेट लॉस में मदद करेगा, साथ ही साथ अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही मैंने एक छाछ का कॉम्बो किया है जो इसके साथ परफेक्ट जाता है। बहुत ही न्यूट्रिशियस पुलाव है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। प्रोटीन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, ब्रोकली, भिगोए हुए सोया चंक्स और उबले हुए छोले लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा तेल या घी डालेंगे। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो सिर्फ घी या फिर सरसों तेल का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कलौंजी डाल दें। इसके साथ हम इसमें दालचीनी डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लवंग और इसके साथ 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको थोड़ा सा भून लें। इसके बाद हम इसमें अखरोट डाल देंगे। अखरोट डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, ब्रोकली और गाजर। टमाटर का इस्तेमाल बाद में करेंगे, तो पहले इन तीनों को डाल दें और इसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसे भून लें। जैसे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लें। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। टमाटर डालने के बाद पहले हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च इसमें ऑप्शनल है। लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें और इसके बाद हम इसमें भिगोया हुआ सोया चंक्स और उसके साथ छोले डाल देंगे, यानी ये उबला हुआ काबुली चना। इन सबको मसालों के साथ मिक्स करके 1/2 मिनट पकाएं ताकि मसाले जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिए। इसके बाद हम इसमें उबला हुआ चावल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस उबाल के रखा है, आप इसमें बासमती या फिर रेड राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। चावल डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट धीमी आँच पर पकाना है। यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दिया मैंने। आप चाहिए तो पैन को कवर कर दें या बिना कवर किए पकाएं। तो ये हमारा सुपर हेल्दी प्रोटीन पुलाव बन के तैयार है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप चाहिए तो इसमें लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर हेल्दी पुलाव बन के तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग प्लेट या बोल में निकाल देंगे और आप इस पुलाव को बटर मिल्क यानी छाछ के साथ सर्व करें। तो बटर मिल्क या छाछ बनाने के लिए एक बर्तन में यानी ग्राइंडिंग जार में 2 चम्मच दही ले लें, थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा डाल दें। उसके साथ हम इसमें पानी डाल देंगे और आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता या पुदीना पत्ता डाल दें। जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, पतली छाछ बनाएं। तो ये हमारा छाछ बन के तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुलाव को सर्व कर लेते हैं और उसके बाद ये छाछ सर्व कर लेंगे। तो पुलाव के साथ ना ये छाछ इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इसमें हाई प्रोटीन खा रहे हैं, तो छाछ आपको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे ये पुलाव मैंने रख दिया है। पुलाव के साथ आप चाहिए तो थोड़े से सैलड सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं यहाँ पे ये प्याज, खीरा और यहाँ पे ये गाजर रख देती हूँ और इसके साथ ये जो बटर मिल्क यानी कि जो हमने छाछ बनाया है वो सर्व कर देते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट मील है और इसके साथ आपको दाल या सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वेट लॉस में हैं या फिर किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो आप इस प्रोटीन पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्पफुल है।